राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी में प्रवेश से पहले ही अखिलेश यादव की इस कोशिश को कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन की ओर से यह प्रचारित किया जा रहा था कि सभी सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथ मिलकर चुनाव प्रचार प्रसार में उतरने की रणनीति अपनाएंगे। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अपने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी कर दी है। उन्होंने कांग्रेस को प्रदेश में 11 सीटें दी हैं, लेकिन कांग्रेस नेता लगातार यह कह रहे थे कि प्रदेश में इतनी कम सीटें उन्हें स्वीकार नहीं हैं, वे 20 से कम सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस से अंतिम बातचीत के पहले ही अपने प्रत्याशियों की सूची कर अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से यह डील फाइनल कर दी है। इससे यूपी में इंडिया गठबंधन में टूट का खतरा मंडरा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी में प्रवेश से पहले ही अखिलेश यादव की इस कोशिश को कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन की ओर से यह प्रचारित किया जा रहा था कि सभी सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथ मिलकर चुनाव प्रचार में उतरने की रणनीति अपनाएंगे। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा के यूपी में प्रवेश से पहले ही अखिलेश यादव ने अपनी सूची जारी कर यह साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी ने मीडिया से कहा कि उनकी पार्टी ने सहयोगी दलों का पूरा सम्मान रखा है। कांग्रेस को बहुत सोच विचार के बाद 11 सीटें देनी तय की गई हैं, इसमें बढ़ोतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को इससे बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन अपने सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बसपा के इंडिया गठबंधन में आने की किसी संभावना को खारिज करते हुए चौधरी ने कहा कि बसपा का चरित्र संदेहजनक रहा है, ऐसे में उनका गठबंधन में आना संभव नहीं है। तो वहीं कांग्रेस के एक नेता ने मीडिया से कहा कि इस मामले पर केंद्रीय नेतृत्व अंतिम निर्णय लेगा, लेकिन कांग्रेस देश के सबसे बड़े राज्य में 11 सीटों पर सिमटना स्वीकार नहीं करेगी। इससे पार्टी कुछ सीटों पर सिमट कर रह जाएगी और इससे भविष्य में पार्टी के मजबूत होने की संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर तो यह होगा कि हम अकेले चुनाव में उतरेंगे और हर सीट पर अपना जनाधार विकसित करेंगे। आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी ने आज 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कि फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक को लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यह सीट अगर कांग्रेस के खाते में आती तो कांग्रेस के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को इस सीट से लड़ने की बात सामने आ रही थी। अब देखना यह होगा कि जब लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक को फर्रुखाबाद से प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या उनका साथ देगी या सलमान खुर्शीद भी मैदान में आ सकते हैं। दी फूड कोर्ट फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ के खूबसूरत इंटीरियर व शान और सुरम्य वातावरण के साथ आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज दोनों का मजा। किटी पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अभी बुक करें। हमारा उद्देश्य है ग्राहकों को स्वादपूर्ण भोजन और अच्छी सेवा प्रदान करना। फिर देर किस बात की, बच्चों के साथ एक पारिवारिक दिन बिताने व रोमांटिक डिनर के लिए आज ही विजिट करें। हमारा पता है सहयोग भवन, नेकपुर 84, नियर गायत्री इंटरनेशनल स्कूल, फर्रुखाबाद। नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने नगर वासियों का हार्दिक अभिनंदन एवं अपील करती है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, दर्जी आदि लोगों को प्रशिक्षण एवं किट उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए पीएम विश्वकर्मा की साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ ले सकते हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत सभी पटरी दुकानदारों से अनुरोध है कि नगर पालिका कार्यालय में
उपस्थित होकर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाएं। खुले में शौच न करें, नगर पालिका द्वारा बनाए गए सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय का ही प्रयोग करें। शासन द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग न करें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें एवं अपने आसपास साफ सफाई रखें। बसला अग्रवाल अध्यक्ष नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद, रविंद्र कुमार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद।